हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो है NDA-2 2019 को लेके। इसके अलावा जो जो आपने डाउट भेजे हैं, जो जो आपने कमेंट्स किए, उन सब पे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। NDA-1 का रिजल्ट कब आएगा, NDA-2 के लिए कैसे करें, TES के लिए कॉल कब आएगा, क्या TES की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, NAVI-TECH के लिए कैसा, कब से कॉल आएगा, कैसे आएगा, ये सब बहुत सारे जो जो आपके डाउट्स हैं वो सारे सेशन में डिस्कस करना चाहूँगा। इंपॉर्टेंट सेशन है, समझिएगा। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि NDA-2 2019 आपको पता है कि 17 नवंबर को है। क्लासरूम कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बाहर के बहुत दूर दूर के बच्चे आए हुए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। और देखिए, इंपिटस गुरुकुल की एक पहचान बहुत अलग बनी है पिछले कुछ बहुत ही कम समय में, क्योंकि मेरा एक ही बिलीव है कि पढ़ना चाहिए, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं। आज जो यहाँ बच्चे आए, दिन भर मेहनत करते हैं, सुबह 8 बजे एकेडमी में आते हैं, शाम तक 3:30-4 o'clock तक तो क्लास होती है, उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी करते हैं। आप खुद सोचिए, जब इतना हार्ड वर्क करेंगे तो क्यों ना रिजल्ट आएगा। रिजल्ट हमेशा डिपेंड करता है कि हम किस ढंग से पढ़ रहे हैं और हमारा प्रिपरेशन का तरीका क्या है। नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो हमेशा अच्छा रिजल्ट आएगा, ट्रिक के लिए, कंसेप्ट के लिए, ट्रिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, इधर उधर से देख रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। तो हमारा एक ही बेसिक फोकस इसी बात पर रहता है कि कैसे बच्चों को कंसेप्ट डेवलप किए जाए, और जो आए हुए बच्चे हैं उनके साथ एक ही चीज़ पे फोकस किया जाता है कि आप अपने बेसिक पे, कंसेप्ट पे ध्यान दो। इस पर अगर किसी ने ध्यान दिया तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जब गुरुकुल के साथ जुड़ेंगे तो ना केवल लर्निंग सीखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्किंग। अभी मैंने आपके साथ एक सेशन शेयर किया था आदित्य पाठक का, आपने देखा होगा कि उस बच्चे ने अपना रूटीन बताया था। वो नॉर्मली 3 to 4 hours होता है और यही रूटीन रहता है और हर एक चीज़ का टाइम फिक्स होता है। यानी अगर 40 मिनट में आपको नहाना भी है, तैयार भी होना है और ब्रेकफास्ट भी करना है तो 40 मिनट मतलब 40 मिनट ही होता है। स्टार्टिंग में कई बार बच्चों के ब्रेकफास्ट छूट जाते हैं, लंच छूट जाते हैं, पर धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो जाते हैं। और याद रखिएगा कि SSB में हमें भी पता है लगभग 800 से 1000 में एक बच्चा सिलेक्ट होता है, पर वो बच्चा वहाँ जाके ऐसा नहीं बनता, वो ऐसी क्वालिटी होती है इसलिए वो सिलेक्ट करते हैं। तो आपको ये इनर क्वालिटी अपने अंदर धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए, मैं यही मैसेज दूंगा। और क्लासरूम सेशंस में जो जो सेशंस बच्चों के साथ होंगे वो मैं आपके साथ रेगुलर शेयर करता चलूंगा, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं, क्लासरूम कोर्स में आते जा रहे हैं। अभी जो नए बैच के साथ मैं बात करूं तो 10th June से एक जो न्यू बैच है उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 10 June से हम लोगों ने ये किया है कि ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस, ये दो मेजर टॉपिक है मैथ्स के जो कि स्टार्ट किए जाए। पहले ट्रिग्नोमेट्री होगा 20 days, फिर 1 month कैलकुलस होगा। और इसको अभी से इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि जून और जुलाई में अगर ये कंप्लीट हो गया तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने इसकी एडिशनल प्रैक्टिस और टेस्टिंग होगी, तो इस पर कमांड आ जाएगा, 50 तक क्वेश्चन आ सकते हैं। सोचिए, केवल ये स्ट्रांग हो जाए तो आप मैथ्स का कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। इसलिए ऐसी प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, तो ऐसे जो मेजर टॉपिक है उनको पहले किया जाएगा। तो आप लोग चाहें तो 10 June को क्लासरूम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 10 June के पहले। एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ। दूसरा, ऑनलाइन कोर्स से रेगुलर बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, कई बच्चों से मेरी बात नहीं हो पाई है, उनको सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई करनी है जैसे एकेडमी में चल रही है, और इसकी डिटेल मैं आपको वीकली देता रहूँगा, इसलिए बिल्कुल उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। और हर वीक आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे, जैसे इस वीक में आपके पास प्रोग्रेशन का टेस्ट आया होगा, प्रोग्रेशन के टेस्ट के साथ साथ GS का टेस्ट आया होगा 9 June के लिए। फिर आपको बताता हूँ, प्रोग्रेशन 2 का टेस्ट आएगा, GS का भी आएगा, इंग्लिश का भी आएगा और साथ में फिजिक्स का भी आएगा। यानी ये एक चीज़ है, इस बार टेस्टिंग मॉड्यूल्स पे हम लोग और वर्कआउट करेंगे जिससे अच्छा रिजल्ट आए। इसके अलावा जो यहाँ पर इस बैच में एक चीज़ और हमने करी है कि SSB के सेशन भी स्टार्ट किए, उसमें से कुछ सेशंस मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा और वो आपको वेबसाइट के थ्रू मिलेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि क्या चीज़ें हैं, इनर क्वालिटी हैं जो आपको अभी से डेवलप करनी है। क्योंकि देखिए, एक हार्डवर्क करना है, एक डिसिप्लिन लाइफ के साथ चलना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम NDA की बात करते हैं तो NDA एक मल्टी डायमेंशन एग्जाम है, यानी आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। IIT जैसा नहीं है या और कोई एग्जाम जैसा नहीं है कि सब्जेक्ट पढ़ के काम चले, आपको पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पता होना चाहिए, आपका कमांड होना चाहिए, आपको पॉलिटी के बारे में पता होना चाहिए, आपको पॉलिटिकल रिलेशंस पता होना चाहिए, वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है आपकी हिस्ट्री पे कमांड होना चाहिए, आपका बेसिक बायो आना चाहिए, बेसिक केमिस्ट्री आना चाहिए, फिजिक्स आना चाहिए, जनरल स्टडी, करेंट अफेयर, यानी इन सबको मिला के जब ये सब चीज़ें आपकी अच्छी होती तो रिटर्न निकलता है।
और फिर उसके बाद आप SSB में जाते हैं। जब SSB में जाते हैं तो वो आपकी कई सारी इनर क्वालिटीज़ को चेक करते हैं। और ये मिसकंसेप्शंस हैं कि ग्राउंड ट्रेनिंग से SSB निकलता है। ग्राउंड ट्रेनिंग एक बहुत छोटा पार्ट होता है। बेसिकली जो स्ट्रांगली ट्रेनिंग की SSB में टेस्टिंग की जाती है वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है। अगर आप साइकोलॉजिकली मेंटली फिजिकली स्ट्रांग है तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो वो सेशंस भी सेशन में। अब बात आती है कि NDA-1 का रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, NDA-1 का रिजल्ट जून मंथ में आ जाएगा, सेकेंड थर्ड वीक के आसपास आना चाहिए, पर इस मंथ के एंड तक कन्फर्म है कि आ जाएगा। मुझे लगता है 15 जून के बाद से लेके कभी भी आ सकता है। एक बात TES के लिए या NAVI-TECH के लिए, TES का देखिए अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म ही सबमिट हो रहे हैं 8 जून तक, या हम बात करें NAVI-TECH के लिए तो वो 17 जून तक। उसके बाद फिर शॉर्टलिस्टेड हो गया, आपको रोल नंबर अलॉट होगा, फिर आपको कॉल आएगा। इन सब प्रोसेस में याद रखिए, TES या नेवी की अगर हम बात करें तो इन सब प्रोसेस में हो सकता अगस्त तक का टाइम लग जाए, क्योंकि जब आप सिलेक्ट होंगे फिर आपके कॉल लेटर आएगा, फिर SSB के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे में आप में से कुछ बच्चों ने पूछा था कि क्या करा जाए। मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं कि आपको रुक के नहीं बैठना है। इवन NDA-1 का रिजल्ट क्लियर होता है तो भी, इनसे कॉल आता है तो भी, आपको अपना NDA-2 पे भी फोकस साथ में रखना है, क्योंकि आपका जो ये एग्ज़ाम होगा वो होगा शायद अगस्त में, प्रोबेबल होगा अगस्त में। अब सोचिए अगस्त में आप SSB देने गए और एक सेवा किसी भी रीजन से बाई चांस आप आउट हो गए, तो ऐसे केस में आपके पास, अगर आपने अभी से NDA-2 की प्रिपरेशन नहीं की तो आपके पास टाइम कम पड़ेगा और फिर आप NDA-2 के लिए इतने कम टाइम में परेशान होंगे। इसलिए मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा, जैसा हम क्लासरूम कोर्स में कर रहे हैं वैसे ही ऑनलाइन कोर्स में भी कर रहे हैं, अगर वैसे ही आप करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आप NDA-2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें बहुत ही अच्छे से, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर प्रिपरेशन करें, हर चीज़ के कंसेप्ट बढ़ा के पढ़ें। क्योंकि देखिए NDA का पेपर टफ नहीं आता, पर बेसिक स्ट्रांग होंगे तो अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक्यूरेसी और स्पीड बहुत मायने रखती है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें आप। तो और साथ में SSB के लिए क्या करना है, जो मैंने आपके साथ सेशन शेयर किए, सबसे पहले एक सेशन शेयर किया था SSB हिस्ट्री के लिए, वो देखिए। अभी मैंने आदित्य पाठक के साथ, अभिषेक के साथ मैंने एक सेशन शेयर किया था, ये सब जरूर देखिएगा, इनसे आपको आइडिया लगेगा। अभी कुछ सेशन और शेयर करूँगा, तो आपको अपने आप को बहुत ही अच्छे से डेवलप करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अगर आप जो चीज़ें बोल रहे हैं उस पे आपका कितना कमांड है। आप अगर बोलते हैं कि मेरी हॉबी हॉकी है तो हॉकी के बारे में कितना पता है। आप बताते हैं कि मैंने 10th या 12th में ये परफॉर्मेंस की, तो एक्चुअल में की है कि नहीं की, यानी आप अगर ऑनेस्ट होंगे तो आप उसका अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। टूवर्ड नेशन आपके क्या थॉट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आप क्यों डिफेंस में जाना चाहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही इनके कॉल आएंगे, हम लोग एकेडमी में जो काम करेंगे, इवन ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे ही आपका TES या NAVI-TECH या NDA-1 का कॉल आता है, 15 डेज का एक सेपरेट SSB का सेशन रखेंगे हम लोग, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं भटकना, आपको सीधा गुरुकुल ही आना है। और ये 15 डेज कम्प्लीटली फिर SSB की ट्रेनिंग हो गया। अभी हम ट्वाइस इन अ वीक क्लास ले रहे हैं, पर जैसे ही इनके कॉल आते हैं फिर 15 डेज की आपको सब मैं बोलूंगा। फिर कुछ दिन के लिए NDA-2 को स्टॉप करके 15 दिन पूरा फोकस हम रखेंगे SSB के लिए। देन उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है, आप थ्रो होते हैं बहुत ही अच्छी बात है, और कोशिश भी यही होगी, SSB की ट्रेनिंग भी मैं यही कोशिश के साथ करूंगा कि आप लोग अगर SSB देने जाएं तो आप उसको निकाल पाएं। एक सेवा, अगर किसी भी रीजन से अगर आप बाई चांस आउट होते हैं तो कम से कम आपके पास NDA-2 की प्रिपरेशन है, आप एक सेफ जोन में हैं, और NDA-2 के बाद आप फिर से TES या NAVI-TECH के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। तो इसलिए आपको हर तरह से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। याद रखिए, जितने बार आप NDA दे सकते हैं उतने ही बार आप TES या NAVI-TECH के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और बात पूछी थी आपने कि NAVI-TECH अगर आपने IIT नहीं दी तो दे सकते हैं कि नहीं, नहीं। याद रखिएगा, PCM में 70% के साथ साथ IIT की आपको स्कोर कार्ड को लगाना पड़ेगा जब भी आप NAVI-TECH के लिए एप्लीकेबल हैं। दूसरी बात, TES के लिए पूछा गया है कुछ बच्चों ने कि सर 69.5 है तो कर सकते हैं कि नहीं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं कर सकते हैं कि नहीं। पहले एक बात समझिए, मिनिमम क्राइटेरिया ही 70% है और PCM वाले ही एलिजिबल हैं, तो PCM वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर IIT JEE का, जिन्होंने मेंस का एग्जाम दिया है, उसका रैंक कार्ड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। PCM में 70% दोनों में मिनिमम मांगे हैं, पर नॉर्मली TES के लिए 80% के आसपास पे कॉल आता है,
और नेवी टेक के लिए डिपेंड करता है कितने लोग अप्लाई करते हैं, रैंकिंग भी देखते हैं वो, परसेंटेज और रैंकिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। तो इसके लिए कुछ अलग से नहीं करना। तो मैं आप सभी बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके 80% से ऊपर है, यहाँ पर अच्छी रैंक के साथ भी 80% के आसपास है, आपको कॉल आएगा। पर आप इस SSB की प्रिपरेशन के साथ साथ NDA-2 की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दें, उसके लिए वेट ना करें, क्योंकि इसके कॉल आने में टाइम लगेगा और इसमें सीट भी कम होती है। जैसे 90 के आसपास आपको पता है TES में सीट हैं, तो ऐसे केस में हमें चांस नहीं लेना चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई करना चाहिए। दूसरा, जो यहाँ पर सेशंस हो रहे हैं उन सेशंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जिससे आप अपने आप को तैयार कर पाएँ और बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करनी है। तो मैं बात कर रहा था कि 10 जून को जो बैच है उस बैच के लिए आपको 8 या 9 जून तक भोपाल आ जाना है, और आते ही यहाँ पर सारी फैसिलिटी इमीडिएटली ज्वाइन करिए, जिससे कि ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास से आप पढ़ पाएँ। और अब क्योंकि टाइम कम बचा है, कि अब हम अगर देखें तो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर और नवंबर 17 को एग्जाम है। तो देखिए, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ, धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है। और NDA में हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, जब ही जाके स्कोर होता है। मैथ्स भी बहुत अच्छे से करना है और साथ में GAT भी अच्छे से करना है। GAT में आपको इंग्लिश भी अच्छे से करना है, GS भी करना है, फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, बायो भी करना है। तो अगर इन सब पर आपको जाना है तो यही तरीका है। एक और, कई बच्चों ने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा है कि इंग्लिश के लिए क्या करें। देखिए, इंग्लिश के लिए यहाँ क्लासेज होती हैं, सेपरेट बैचेस भी होते हैं, पर इंग्लिश के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम हैं तो सबसे पहले एक काम तो जरूर करिए, हिंदी की बुक बंद करके इंग्लिश की बुक से चालू करें, ये पहली स्टार्टिंग होगी। दूसरा, इंग्लिश में ही लिखना चालू करें। तीसरा, थोड़ा सा लिसनिंग की आदत डालें, धीरे धीरे बोलने की आदत डालें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मली SSB में जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो हिंदी में नहीं होते, इंग्लिश में ही होते हैं। इसलिए आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना होगा। और इनफैक्ट मैथ्स के 300 मार्क्स के बाद अगर कोई सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इंग्लिश है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है लगभग GS 200 से भी कम का होता है, पर इंग्लिश बिल्कुल 200 का होता है, 200 मार्क्स का। तो ऐसे में आपको हर तरह से तैयार रहना है। तो कोई भी डाउट मत रखिए, ग्राउंड लेवल पे आप SSB की प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, नो डाउट। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा जिमिंग नहीं करनी, रनिंग करने से आपका फिजिकल स्टेमिना बढ़ता है। अगर कोई स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो 1-2 घंटे गेम खेलिए, जिससे कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहे, आई कॉन्टेक्ट आपका अच्छा होगा उससे। दूसरा, आपका पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं, जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हमारा आई कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा होता है, हमारे शार्प ऑब्जर्वेशंस होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, जिससे कि आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार कर पाएँ। और हर एक न्यूज़ पे SSB के लिए क्या करना है, हर एक न्यूज़ पे, करेंट इवेंट्स पे, वर्ल्ड हिस्ट्री पे, ये छोटी छोटी चीज़ों को अपने आप पे आप तैयार करते चलिए। तो मैं आप यहाँ पे इतना ही बोलना चाहूँगा, जो भी आपके आप रिलेटेड डाउट हैं आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बोला था कि ऑनलाइन कोर्स से कैसे जुड़ें या ऑनलाइन कोर्स का मीनिंग क्या, तो वो भी बता दूँ। ऑनलाइन कोर्स का मतलब होता है कि हम आपको एक पेन ड्राइव देंगे जिसमें मैथ्स के वीडियो ट्यूटोरियल होते हैं, वो वीडियो से आप मैथ्स के पूरे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, बेसिक्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक होते हैं NDA पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो टेस्टिंग यहाँ पर होगी, टेस्टिंग में हम लोग आपको 100% सपोर्ट देंगे, चाहे फिर वो मैथ्स का टेस्ट हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, GS का हो, फिजिक्स का हो, ये सारे टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। जो टेस्ट पेपर्स के यहाँ पर डिस्कशन होंगे, जो पेपर थोड़े भी लेंदी होंगे, उन पेपर्स के वीडियोस भी आपको शेयर किए जाएंगे। यानी आप ऑनलाइन कोर्सेज अगर जुड़ते हैं तो ये एक चीज़ आपके साथ होगी। और ऑनलाइन कोर्स में और क्लासरूम कोर्स में क्या डिफरेंस है, आपने से ये भी पूछा था। एक डिफरेंस सबसे पहले है कि क्लासरूम कोर्स में आपका एक टाइम परस्योरिटी के साथ आना होता है और उसी के साथ जाते हैं। अब अगर आप 11th 12th में, तो ऑब्वियसली आप क्लासरूम कोर्स नहीं आ सकते, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन कोर्स से घर पर पढ़ें, आपको जो शेड्यूल बताया जाए उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, पर डिसिप्लिन के साथ पढ़ें, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में सेल्फ डिसिप्लिन लगता है, वो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता है। और ऑनलाइन कोर्स से कभी भी आप क्लासरूम कोर्स में स्विच कर सकते हैं, ये भी एक चीज़ है। तो आप इस तरह से जुड़ सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी आपके पास लगभग उतना टाइम है। वैसे अगर देखें तो NDA 1 के बाद NDA 2 जो होता था वो सेप्टेम्बर में होता था। अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें तो अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, सितंबर, 1, 2, 3, 4, 5 जितना टाइम नॉर्मली होता था अब लगभग उतना ही बचा है, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम खत्म हुआ था 21 को, उसके बाद पूरा मई निकल गया, जून के भी दिन आ गए। तो अगर आपने अभी भी नहीं किया तो अभी भी एक्शन ले लें, क्योंकि एवरी ईयर इतना ही टाइम मिलता था, पर आप जैसे जैसे लेट होते जाएंगे कहीं ना कहीं
आप अपने आप को पीछे करते जाएंगे। कॉम्पिटिशन को दिमाग में रखते हुए इमीडिएटली एक्शन लें, और जिन जिन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है, जिस जिस डायरेक्ट एसएसबी के लिए एलिजिबल है, अप्लाई करें। अभी भी कुछ बच्चों ने टीएस के लिए अप्लाई नहीं किया, अगर आपके 80% के आसपास हैं तो मैं बोलूँगा अप्लाई करें। जेई मेन्स दिया हुआ है तो जेई मेन्स के साथ आप नेवी टेक अप्लाई करें। इसके अलावा एक बच्चे ने मुझे एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वैसे कई लोग बोल चुके हैं कि सर राजमहुल पटेल का जो इम्पिटस से सिलेक्शन हुआ उसके 49% है, जबकि नेवी वो इंडियन एनडीए के लिए 55% या फर्स्ट डिवीजन मांगते हैं। मैं आप सबको एक बात बहुत क्लियर कर दूं, एनडीए के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। आप उसके लिए कहीं कंफ्यूजन है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। हाँ, बाकी सब एक्स वाई ग्रुप में जाएंगे तो परसेंटेज क्राइटेरिया है, टीएस में जाएंगे तो है, नेवी टेक में जाएंगे तो है, तो अलग अलग एग्जाम से, तो आप पहले सही इन्फॉर्मेशन रखिएगा, उसके साथ ही आप अपनी पढ़ाई करिएगा। तो ऐसे कोई भी डाउट्स आए, कन्फ्यूजन आए, तो आप या तो हमसे बात करें या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, पर कन्फ्यूज ना हो, मिसगाइड ना हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।